हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दोबारा से मार्केट फीस लागू करने और जीएसटी के विरुद्ध हिमाचल प्रदेश के व्यापारी लामबंद होना शुरू हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष सुमेश शर्मा ने ऊना में पत्रकार वार्ता करते हुए प्रदेश सरकार से मार्केट फीस के फैसले को वापस लेने और जीएसटी का सरलीकरण करने की मांग उठाई है। व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर जल्दी उनकी मांगे पूरी न हुई तो अखिल भारतीय व्यापारी ट्रेडर्स यूनियन द्वारा 26 फरवरी को भारत बंद का हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल समर्थन करेगा। इस प्रेस वार्ता में आपके रिस्पेक्टिव चैनल के माध्यम से हम सरकार तक जो अपना दुख दर्द पहुँचाना चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगों को सुने, हमारे दुख दर्द को समझे। आज रात से मार्केट फीस को जो रात को 12 बजे से लागू हुई है, हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल इसका विरोध करता है। ये मार्केट फीस जो है जो नहीं होनी चाहिए। जीएसटी को लेकर के अभी तक 937 संशोधन हो चुके हैं 4 सालों में। तो हम ये चाहते हैं कि जीएसटी में इतनी पेचीदगी बन चुकी है, रोज नया कानून बन जाता है, अभी तक ना तो पूरे अधिकारियों को और ना ही व्यापारियों के समझ में अभी तक जीएसटी नहीं आ पाया है। तो हम ये चाहते हैं सरकार से मिलकर के कि सरकार हमारी दुख दर्द को समझे और हमारी मांगों का हल करे। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।